Hello everyone, welcome to Peckins. Today I'm going to be giving you a video about the frequently asked questions for GRE. GRE ke baare mein jitne bhi questions log poochte hain, and all the curious people have would be able to get a lot of knowledge from this video. I hope they would be able to get a lot of knowledge about it. So if you have any questions related to GRE and if you want me to answer some, I would be more than happy to do it, because the thing is that I don't find that much time to talk to people, as I have to teach for about 13 to 14 hours in the academy. And when people want to know about GRE before they enroll for the course, they normally have to wait for me before they can talk to me. So I'm just making this video for them to just know about GRE and then decide whether they have to appear for GRE or not. I think we should start. I will start with some questions which people normally ask, and I'll answer them. And if you have some extra questions, I would be more than happy to do it. Okay, what does GRE stand for? GRE stands for the Graduate Record Examination. Who has to take GRE? GRE, आपने recently सुना होगा, Fulbright Scholarship होती है, जिसकी वजह से लोग कहते हैं हमने GRE देना है. अगर आपने lumps में admission लेना है, जैसे MBA में लेना है, you can take GMAT or GRE, or if you want to go to America or Canada, ये America और Canada के masters के अंदर admission लेने के लिए एक exam होता है, जिसके अंदर वो आपकी English और math को test करते हैं. इसको conduct कौन करता है? ETS एक organization है, which stands for Education Testing Service, that is conducting GRE in Pakistan. How many dates are there for GRE? अब GRE जो है वो ऐसे नहीं है कि उसकी एक साल में एक डेट होगी या महीने में एक या दो डेट्स होंगी. There are 10 to 15 dates available for GRE in a month. मतलब आप जब आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो you will have about 14 to 15 dates available, and you can select from those 14 to 15 dates. So dates are normally not the problem, मगर कभी कभी अप्रैल और मई के अंदर वो प्रॉब्लम बन सकती है. I'll talk about Lahore more, as I'm offering my preparation in Lahore. Where is GRE held in Lahore? It's held in FC College. FC College के अंदर GRE held होता है, and it is held in the Prometric Center. अब क्वेश्चन आता है, इज देर एनी काइंड ऑफ एजुकेशन विच यू रिक्वायर बिफोर यू प्रिपेयर और यू अपेयर फॉर GRE? नो, देर इज़ नो एजुकेशन. GRE के लिए ये नहीं है कि आपने कोई एजुकेशन चाहिए आपको, कि आपने बैचलर्स किया होगा तो आप GRE दे सकते हैं, मास्टर्स किया होगा तो आप GRE दे सकते हैं. एनी वन कैन टेक GRE. I would like to tell you something very important. उसकी जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड होता है, इसकी जो एग्जामिनेशन फी है, डेट इज $205. आई एम हैविंग सोर थ्रोट, सो आई विल बी ड्रिंकिंग कॉफी अ बिट. सो इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो इट इज़ थ्रू क्रेडिट कार्ड, वो डेबिट कार्ड के थ्रू नहीं हो सकती. सो यू हैव टू बोरो समवन्स क्रेडिट कार्ड इफ़ यू डोंट हैव योर ओन. इसके अंदर एक और चीज़ होती है कि वेन यू आर गोइंग टू गो इन टू द एग्जामिनेशन सेंटर, अनफॉर्चुनेटली मेरे कहने के बावजूद भी कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है कि वो अपनी दोनों चीज़ें नहीं लेके गए. फॉर इंस्टेंस, अगर आपके पास सिर्फ आईडी कार्ड है तो वो आपको अंदर नहीं आने देंगे एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर. यू नीड टू हैव अ पासपोर्ट एंड एन आईडी कार्ड, दोनों ज़रूरी होते हैं एग्ज़ाम देने के लिए. देन हाउ लॉन्ग डज द GRE एग्ज़ाम लास्ट फॉर? फॉर हाउ लॉन्ग डज इट लास्ट? इट लास्ट एनीवेयर फ्रॉम 4 to 4.5 आवर्स. ये जो एग्ज़ाम है, इट इज़ हेल्ड, यू हैव टू टाइमिंग्स, यू हैव टू चॉइसेस, या तो ये 9 AM पे हो सकता है या फिर ये 1:30 पे होता है. सो नॉर्मली आई वुड रिकमेंड पीपल टू टेक द आफ्टरनून सेशन. व्हेन इज़ द रिजल्ट फॉर GRE अनाउंस्ड? GRE का जो रिजल्ट है, जैसे ही आप एग्ज़ाम देंगे, एज सून एज यू डन विद द एग्ज़ाम, आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगा. कितने लोग, हाउ मेनी पीपल टेक GRE इन अ सेशन? GRE का जो एग्ज़ाम होता है, इट इज़ हेल्ड इन अ कंप्यूटर लैब. उसके अंदर सब स्टूडेंट्स GRE के नहीं होते, कुछ लोग USMLE का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, कुछ TOEFL का दे रहे होते हैं. सो ऑल ऑफ देम आर नॉट GRE स्टूडेंट्स. आप कह सकते हैं 10 से 15 लोग होते हैं जो GRE का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं हर सेशन के अंदर. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर GRE? GRE इज़ नॉट IELTS. Your English might be very good, your spoken English might be very good, your written English might also be very good. मगर जो GRE के लिए English है,
दैट इज इंटायरली डिफरेंट. मैं कभी कभी ये कहता हूँ कि यू हैव टू वर्क अ लॉट फॉर GRE. तो स्टूडेंट्स टेल मी कि हमारे आइट्स में तो 8 आया था, टोफल में हमारा 110 आया था, तो GRE में भी हमारा नहीं. GRE इंग्लिश इज़ वेरी डिफरेंट बिकॉज इट रिक्वायर्स यू टू लर्न अबाउट 3,500 to 4,000 न्यू वर्ड्स एंड इट इज़ नॉट समथिंग विच कैन बी डन इन अ मंथ. इट वुड टेक एनी वेयर फ्रॉम 4 to 6 months, नॉट लेस देन दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इफ इंग्लिश इज वीक. अगर आपकी इंग्लिश में सही नहीं है तो आई वुड से 6 months. अगर आप प्रिपरेशन के लिए दाखिला भी लेंगे एनी वेयर, लाइक इवन इफ़ यू कम टू पैकिंस, आप अपने पैसे ज़ाया करेंगे इफ़ यू डोंट नो द वर्ड्स. अगर आपको वो वर्ड्स आते हैं देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड स्टफ़ वेल, फिर हम उसको रिवाइज कर सकेंगे, मैं उनको समझा सकूंगा. मगर एक ह्यूमन ब्रेन जो है ना, अब होता क्या है कि लोग समझते हैं कि GRE इज़ ऑल अबाउट इंटेलिजेंस. इट इज़ नॉट इंटेलिजेंस. मैं शर्फाट से पढ़ा था तो उधर हमें यही वर्ड्स मुझे लगता है 2 से 3 साल में उन्होंने कराए थे. मैंने SAT दिया हुआ है, मैंने 2 बार GRE दिया हुआ है. तो ये वर्ड्स जो हैं, अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को कहूँ कि आपने 3,000 वर्ड्स महीने में करने हैं, तो मुझे लगता है कि आई एम डूइंग रॉन्ग टू देम. कोई दुनिया का बंदा नहीं कर सकता. अब क्या होता है, प्रॉब्लम ये है कि हमें यूनिवर्सिटी कह देती है कि GRE का स्कोर महीने में देना है. उनको ये नहीं पता कि हमारे सिस्टम में कभी ये वर्ड्स पढ़ाए ही नहीं गए हैं, जैसे वर्ड्स लाइक एसिजुअस, वर्ड्स लाइक अबेट, वर्ड्स लाइक बनाल. तो ये वर्ड्स जब आपने पहले नहीं पढ़े तो आप उनको पढ़ने में आपका बहुत टाइम लगेगा. सो आप जिस भी एकेडमी में जाएंगे वो दे वुड बी वर्किंग ऑन द प्रैक्टिस क्वेश्चन, दे वुड बी वर्किंग ऑन द वर्ड्स. लाइक आई ट्राई टू वर्क अ लॉट, आई गिव कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेज, आई ट्राई टू वर्क ऑन द वर्ड्स, मगर एंड में क्या होता है कि वही एक महीने में मेजॉरिटी लोगों को 500 वर्ड्स आए होते हैं. 500 वर्ड्स के साथ इफ़ यू गो फॉर द एग्जाम यू विल नॉट एंड अप विद अ वेरी गुड स्कोर. अच्छा, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इफ मैथ्स इज वीक. मैथ्स ज़रा आसान होता है, GRE का मैथ मुश्किल नहीं है. इफ़ यू आर एन इंजीनियर, इफ़ यू हैव डन ओ ए लेवल्स, मैथ काफ़ी आसान होगा. यू कैन देर आर अबाउट 35 टॉपिक्स विच यू हैव टू कवर और उसके 5 लेवल्स होते हैं, तो वो हम काफ़ी आसानी से कर सकते हैं. मगर आप ये याद रखें कि जो GRE की इंग्लिश है ना, डैट इज़ अ प्रॉब्लम. उसके जो वर्ड्स होते हैं, मैं आगे भी थोड़ा आपको बताऊंगा, या तो आप बिल्कुल वोकैबुलरी ना करें या फिर आप सारे वर्ड्स करें. लाइक देर आर हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, डिफरेंट बुक्स के डिफरेंट वेबसाइट्स अपने हाई फ्रीक्वेंसी बनाए हैं कि 350 करेंगे तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, 400 करेंगे तो यू विल गेट अ गुड मार्क ऑन द एग्ज़ाम. मगर असल में कभी भी ऐसा नहीं होता. आप जब एग्ज़ाम देंगे आपको रियलाइज़ होगा कि मुझे कि आपको ज़्यादा यू शुड हैव गिवन मोर टाइम टू GRE. सो आई थिंक दैट इवन पीपल शुड बी वेरी कैंडिड और दे शुड बी ट्रुथफुल टूवर्ड्स पीपल बाई टेलिंग देम के बिफोर यू एनरोल यू नीड टू नो दोज वर्ड्स. हाँ, अगर आप पहले प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्रिपरेशन कर लें और उसके बाद 3 महीने लगाएं उसको प्रिपेयर करने में, बिकॉज GRE डजेंट हैपन लाइक दिस. यू हैव टू बी वेरी गुड, यू हैव टू गिव मोर टाइम टू इट. ओके, विच आर द बेस्ट बुक्स फॉर GRE प्रिपरेशन. एक GRE 5 pound, आई थिंक मोस्ट पीपल नो ऑफ दिस बुक, बैलेंस GRE, मैनहट्टन GRE सीरीज हैं जिसके अंदर उन्होंने फ्रैक्शंस, डेसिमल्स और इन सारी चीज़ों को उन्होंने कवर किया हुआ है. कैपलिन की GRE मैथ की बुक है. GRE ऑफिशियल गाइड इज आई थिंक द बेस्ट वन इफ यू आर इन द लास्ट 2 or 3 weeks. अपार्ट फ्रॉम दिस यू कुड ऑल्सो से दैट मॉक एग्जाम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप जितना भी कर लें, जितनी भी प्रिपरेशन कर लें, इफ़ यू हैव नॉट डन द मॉक एग्जाम्स, एनी वे फ्रॉम 8 to 10 मॉक एग्जाम्स वुड बी ओके. कुछ लोगों की मैथ बहुत अच्छी होती है बट दे एंड अप विद नॉट अ वेरी गुड स्कोर जस्ट बिकॉज दे वर नॉट एबल टू मैनेज टाइम. सो यू हैव टू डू एनी वे फ्रॉम 8 to 10 मॉक एग्जाम्स, उससे कम से आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं हो सकती. ओके, शुड वी प्रिपेयर फ्रॉम 1 बुक और मैनी बुक्स. इट डिपेंड्स. आपको कुछ लोग कहेंगे कि यू शुड गो फॉर 1 बुक और यू शुड, आई थिंक नो बुक इज कवरिंग एवरी थिंग वेल. कुछ बुक्स हैं जो दे कवरिंग मैथ रियली वेल, देर सर्टन बुक्स विच आर कवरिंग इंग्लिश वेरी वेल. सो यू कुड सेंड मी योर ई मेल एड्रेस बिलो एंड आई विल सेंड यू अ लिस्ट ऑफ ऑल द बुक्स विच
I believe would be suitable for you, but it's better that you take the assessment test for me to determine where you're standing right now. Okay, what is the average score for GRE? अब प्रॉब्लम ये आती है कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द अकेडमीज, बट देर आर सर्टेन अकेडमीज विच एडवर्टाइज वेरी गुड रिजल्ट्स. जैसे वो आपको एडवर्टाइज करेंगे 320, 325. आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 ईयर्स. आई हैव हैड स्टूडेंट्स हु गॉट 330 प्लस. देर आर सम पीपल हु गॉट 300, देर आर सम पीपल हु गॉट लेस. बट आई थिंक दैट नॉट एवरी वन गेट्स अ वेरी गुड स्कोर. तो जब आप उन अकेडमीज के एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं या आप उनके, आई एम नॉट सेइंग दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट व्हेन यू लुक एट दोज अकेडमीज या आप उनके रिजल्ट्स देखते हैं, तो आपको एक किस्म का ये होता है कि शायद इनकी वजह से ये स्कोर आ रहा है. मगर आई थिंक दे शुड ऑल्सो इन्फॉर्म बिफोर दे एडवर्टाइज के बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड काउंट्स अ लॉट. आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड, अगर GRE जैसे इंग्लिश, आप जैसे इंजीनियर है उससे 5, 7, 8, 9 साल FSC में या O level में जो भी मैथ पढ़ी है, तो उसकी मैथ ऑटोमेटिकली बेहतर है. अकेडमी का रोल इतना ज़्यादा नहीं है. इंग्लिश कोई समवन हु इज़ अ वोरेशियस रीडर, समवन हु रीड्स अ नॉवल एवरी वीक वुड बी हैविंग रियली गुड इंग्लिश. तो येस, आई वुड बी एबल टू टीच दैट पर्सन प्रॉपरली. बिकॉज वेन यू प्रिपेयर फॉर GRE, यू आर कमिंग फॉर GRE, यू नॉट हेयर, यू नॉट कमिंग टू लर्न एवरी थिंग फ्रॉम द बिगिनिंग. सो दिस इज़ वट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि एक होता है स्किल डेवलपमेंट. वो जो स्किल डेवलपमेंट है ना, या तो आपने उसको पहले कर लें तो बेहतर है, या फिर आपको उसको बाद में करना पड़ेगा. आई ऑफर कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस फॉर स्किल डेवलपमेंट, लाइक आई कवर एवरी टॉपिक वन बाय वन. आई गिव एक्स्ट्रा क्लास ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे फॉर पीपल टू वर्क ऑन वोकैबलरी. बट वट आई वॉज टेलिंग इन द बिगिनिंग के इतने वर्ड्स इवन, और मैं देखता हूँ पीपल ट्राई वेरी हार्ड. लोगों ने फी दी होती है, उन्होंने आगे प्रिपरेशन के लिए दे हैव टेकन द डेट फॉर द एग्जाम, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे होते हैं, फिर भी उनका लिमिट हो रहा होता है. एंड आई कैन सी दैट इवन इफ दे आर ट्राइंग, दे डोंट हैव इनफ टाइम. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट GRE इज नॉट सिंपल. It requires a lot of skill development. Okay. Average score, you would be amazed. Average score जो होता है वो 290 से 300 के बीच में होता है majority लोगों का जो GRE देते हैं. So it's not 320, 310, 315. It's normally 290 to 300 for people who are taking GRE in Pakistan. Is GRE easier than GMAT? If your English is good, then take GRE. If your English is not very good, then go for GMAT. GRE के अंदर आपको जो वर्ड्स याद करने पड़ेंगे सेंटेंस कंप्लीशन के लिए, टेक्स्ट कंप्लीशन और सेंटेंस इक्विवेलेंस के लिए, देन यू हैव टू लाइक आई मेड, इफ यू वॉन्ट आई आई वुड ऑल्सो बी शेयरिंग इट बिलो दिस वीडियो. आई हैव मेड अबाउट 50 क्विजेज. आई हैव मेड, आई वर्क फ्रॉम द वर्ड स्मार्ट, देन वी वर्क ऑन फ्रॉम, वी वर्क फ्रॉम द वर्ड लिस्ट, वी वर्क फ्रॉम, there's another book which is working on synonyms and antonyms. So we try our best to cover every all those words at least 3 times, but still it becomes a bit hard. Who is the best teacher, or who? I think it all depends on your expectations. आप क्या करने जा रहे हैं? आपको अगर English में help चाहिए, so इफ़ यू डोंट हैव बेसिक इंग्लिश स्किल्स, तो अगर आप पैकेंस में GRE के लिए आएंगे, तो यहाँ पे वो वर्ड्स को हम पहले करेंगे, फिर मैं उसका टेस्ट लूँगा अगले दिन, देन विल डू टेक्स्ट कम्प्लीशन सेंटेंस इक्विवेलेंस. तो अगर आपको वो वर्ड्स थोड़े बहुत आते हैं, तो यू विल से दैट आई एम अ वेरी गुड टीचर. अगर आपको वर्ड्स बिल्कुल भी नहीं आते, वो वर्ड्स बिल्कुल नए हैं, तो आई वुडन्ट रिकमेंड यू टू ज्वाइन. इट्स बेटर दैट यू वर्क ऑन देम फर्स्ट एंड देन ज्वाइन, बिकॉज देन यू वुड बी एबल टू गेट benefit from the course. Okay, now what is the score range for GRE? GRE का जो score range होता है वो होता है 260 से लेके 340 तक. मतलब किसी का भी 260 से कम नहीं आ सकता और किसी का 340 से ज़्यादा नहीं आ सकता. In simple words, आपके GRE के अंदर 80 questions होते हैं, 40 for math and 40 for English. तो 260 के अंदर 80 add कर दें तो क्या बनता है? 340 बनता है. तो अगर किसी का जीरो आया GRE में,
तो उस इंसान का जो स्कोर होगा वो 260 ही होगा, 260 आउट ऑफ 340। अगर किसी को जीआरई के पैटर्न का नहीं पता तो वो कहेगा जीआरई का बहुत अच्छा स्कोर है 260, बट 260 मीन्स जीरो एंड 340 मीन्स अ परफेक्ट स्कोर। नाउ आई वुडन्ट बी गोइंग टू वर्ड्स, मैं अभी उस तरफ नहीं जा रहा कि हर सेक्शन वाइज अडेप्टिव होता है, कुछ क्वेश्चन के ज़्यादा स्कोर होते हैं। सो आई एम जस्ट कीपिंग इट सिंपल। आप यही कह सकते हैं कि आपका जो जी आर ई स्कोर है वो 260 से लेके 340 होता है, एंड इफ़ यू गेट 20 क्वेश्चन राइट तो 260 प्लस 20 करें 280 स्कोर आ जाएगा आपका। बट इट्स अ बिट कॉन्वोल्यूटेड, इट्स अ बिट ट्विस्टेड, बट आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू इट कि हर क्वेश्चन शायद डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल का हो तो उसका ज़्यादा स्कोर आ सकता है। सो आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट कन्फ्यूज रिगार्डिंग इट। ओके नाउ वट इज कंसिडर टू बी अ गुड स्कोर? एनी थिंग मोर देन 310 इज अ गुड स्कोर। इज जी आर ई अ कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्ट? येस इट इज अ कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्ट। मतलब आप एक सेक्शन जब करते हैं, इफ यू डू वन सेक्शन वेन यू गो टू द नेक्स्ट सेक्शन, इफ यू परफॉर्म वेल ऑन वन सेक्शन द नेक्स्ट सेक्शन वुड बी हार्डर एंड इट वुड बी वर्थ मोर मार्क्स। नाउ वट इज द रेंज फॉर द वर्बल पार्ट? मैंने अभी आपको बताया था 260 से लेके 340 का है, तो वर्बल जो है ना वो आपका 130 से लेके 170 की रेंज है, और क्वांट की भी आपकी 130 से लेके 170 की रेंज है। गॉट इट? व्हेन शुड अ पर्सन स्टार्ट डूइंग मॉक एग्जाम्स? आई वुड से दैट इन द लास्ट 3 वीक्स बिफोर यू टेक द एग्जाम यू शुड ओनली बी डूइंग मॉक एग्जाम्स। नाउ वुड इट बी अ प्रैग्मेटिक अप्रोच टू लर्न ऑल वोकैबुलरी लिस्ट्स? अगेन यू हैव लिमिटेड टाइम, यू डोंट हैव दैट मच टाइम। अगर आपने 6 हफ्ते में देना है, 4 हफ्ते में देना है, 2 महीने में देना है, तो फिर आपको वही हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, एंड आई वुड से बैरेंस हाई फ्रीक्वेंसी इज गुड, मगूश हाई फ्रीक्वेंसी इज गुड, ऑल दीज आर प्रोवाइडिंग। आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग सम हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, आई हैव सम ऑनलाइन कोर्सेज। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आपको वही हाई फ्रीक्वेंसी करना पड़ेगा, बट आई वुड स्टिल से दैट इफ़ यू वॉन्ट टू गेट अ वेरी गुड स्कोर यू हैव टू वर्क ऑन ऑल दोज वर्ड्स। नाउ वट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर टेस्टेड ऑन द जी आर ई वर्बल पार्ट? जी आर ई के अंदर आपसे ये नहीं पूछा जाता कि ये वर्ड है उसका मीनिंग बताएं, ये वर्ड है उसका मीनिंग बताएं। नो, दे डोंट टेस्ट इट लाइक दैट। देर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। वन इज शॉर्ट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, लॉन्ग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्रिटिकल रीजनिंग, टेक्स्ट कंप्लीशन एंड सेंटेंस इक्विवेलेंस। सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। शॉर्ट रीडिंग के अंदर जो पैसेजेस होते हैं वो इतने लंबे नहीं होते, छोटे होते हैं, उसके रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं। फिर लॉन्ग रीडिंग में ज़रा बड़े होते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग वो होता है जिसके अंदर, अगर आपने कभी गैट दिया हो तो आपको पता होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्ट्रेंथन्स और वीकेंस द स्टेटमेंट अबव, सो दैट इज समथिंग मोस्ट पीपल हैव डन। देन वी हैव सेंटेंस इक्विवेलेंस। सेंटेंस इक्विवेलेंस के अंदर आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, और आपने उसके नीचे 6 चॉइसेस होती हैं, उनमें से 2 सेलेक्ट करनी होती हैं जो उस फिलिंग द ब्लैंक में आ जाएगी। और टेक्स्ट कंप्लीशन के अंदर आपको उन्होंने कॉलम्स दिए होते हैं, उसके अंदर भी आपने एक एक चॉइस डाल के उसके अंदर कंप्लीट करना होता है। इसकी वजह से इन दो जो सेंटेंस इक्विवेलेंस है और टेक्स्ट कंप्लीशन है, यू हैव टू नो द वोकैबुलरी और यू वुड नॉट अंडरस्टैंड विच चॉइस वुड गो इन द फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके विच क्वेश्चन आर मोस्ट डिफिकल्ट ऑन द जी आर ई वर्बल पार्ट? यू वुड बी अमेज्ड टू नो दैट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे मुश्किल होता है। अगर आपने जी आर ई असल में दिया हुआ है तो आपको पता होगा कि शॉर्ट रीडिंग तो हो जाता है, मगर लॉन्ग रीडिंग इतना लंबा होता है और आपका दिमाग इतना थक चुका होता है कि मोस्ट पीपल गेट दोज क्वेश्चन रॉन्ग एंड दे डोंट इवन वॉन्ट टू डू देम। सो आई थिंक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन। विच क्वेश्चन आर द मोस्ट डिफिकल्ट वन इन द जी आर ई क्वांट? आई डोंट थिंक क्वांट इज वेरी डिफिकल्ट। फॉर सम पीपल प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन आर हार्ड, फॉर सम पीपल डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन आर हार्ड, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन वट इज हार्ड फॉर यू। विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल इन द एग्जाम? एग्जाम के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है आपकी, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। इफ यू कैन नॉट मैनेज योर टाइम, अब क्लास में जब स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं तो एक ही क्वेश्चन के ऊपर ना 4 मिनट लग जाते हैं, देन आई डू इट ऑन द बोर्ड, समटाइम्स दे स्पेंड 10 मिनट्स एंड दे कीप ऑन डिस्कसिंग। एग्जाम में ऐसे नहीं हो सकता। यू कैन ओनली अटेम्प्ट अ क्वेश्चन इफ यू नो इट।
जैसे आपके पास जीआरई के एग्जाम स्टार्ट होगा, पहले तो इशू ऐसे होता है, फिर आर्गुमेंट ऐसे होता है, फिर कोई एक सेक्शन आता है। इफ़ यू नो अ क्वेश्चन ओनली देन यू कैन अटेम्प्ट इट। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता और अगर आपने उसी पे 5 मिनट लगाए, मतलब आपने 3 क्वेश्चन का टाइम वेस्ट कर दिया। सो इट इज़ मोर टू डू विद टाइम मैनेजमेंट एंड कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग योर इमोशंस। होगा कभी कभी आपके साथ कि यू वुड से दैट वाई शुड आई लीव, लाइक मैथ का आप सेक्शन कर रहे हैं, पहले 6 क्वेश्चन आपको आते ही नहीं है, एंड यू विल से वाई शुड आई गेट द फर्स्ट 6 क्वेश्चन रॉन्ग। तो यू वुड बी ओवरवेल्म विद द इंफॉर्मेशन विच इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, और यू विल जस्ट थिंक ऑफ गिविंग अप। सो यू विल हैव टू सर्च द क्वेश्चन, यू हैव टू लुक अप फॉर द क्वेश्चन यू कैन डू, उनको पहले करें। जीआरई के अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है ओनली देन यू कैन डू इट, अगर नहीं आता यू कैन नॉट डू इट। दैट इज़ द रीज़न व्हेन पीपल कम फॉर जीआरई प्रिपरेशन आई टेल देम दैट बिफोर द एग्जाम वी शुड बी डन विद एटलीस्ट 5,000 क्वेश्चन। 5,000 क्वेश्चन हमारे मैथ के हो जाएंगे, ओनली देन यू वुड बी प्रिपेयर फॉर द जीआरई। बिकॉज इट्स नॉट अ पाकिस्तानी एग्जाम, वो एक परसेंटेज का भी टॉपिक है ना। जैसे हम अगर पढ़ते हैं तो परसेंटेज के 3 या 4 कॉन्सेप्ट, वो परसेंटेज के भी 400-500 क्वेश्चन बना सकते हैं। इफ़ यू लुक एट द 5 pound जीआरई, दे हैव अबाउट 100 क्वेश्चन फॉर ईच टॉपिक एंड दे कैन मेक मेनी क्वेश्चन। सो वी शुड बी प्रैक्टिसिंग दैट थिंग अलॉट एंड वी शुड ऑल्सो नो द कॉन्सेप्ट रियली वेल। ओके नाउ द क्वेश्चन इज द कैलकुलेटर, येस कैलकुलेटर इज अलाउड ऑन जीआरई। आपको इन बिल्ट कैलकुलेटर मिलेगा जो कंप्यूटर के ऊपर चल रहा होगा, सो कैलकुलेटर इज अलाउड। देन व्हाट इज अ स्क्रैच पेपर? स्क्रैच पेपर एक ग्रीन रंग का पेपर आपको मिलेगा एग्जाम में। दे वुड नॉट अलाउ यू टू टेक एनी पेन और पेंसिल्स और एनीथिंग, दे विल प्रोवाइड एवरीथिंग। स्क्रैच पेपर आपको मिलता है जब आप ऐसे के नोट्स ले रहे होते हैं, या इंग्लिश के लिए भी या मैथ के लिए भी, वो ग्रीन पेपर आपको मिलता है एंड यू कैन आस्क फॉर मोर। आपको जितना भी चाहिए होगा वो आपको प्रोवाइड करेंगे। डू वी हैव टू टेक एनी थिंग अलॉन्ग विद अस? टेक चॉकलेट्स, लाइक इट्स वेरी, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हु हैव नॉट टेकन द जीआरई वुड थिंक इट्स वेरी चाइल्डिश ऑफ मी टू से टू टेक चॉकलेट्स, बट Remember my words, they will allow you to take chocolates. आपके पास कुछ ना कुछ energy bars होनी चाहिए, because after 3 sections you would be exhausted. You cannot imagine how tired you would be. And even if you have been sitting for exams for the last 10 years, GRE is going to just exhaust you completely. So it's very important for you to have some kind of drink outside in the lounge. मतलब आपको एक computer lab में रखते हैं और बाहर एक lounge होता है. You are allowed to put your things over there. So it's imperative for you to have a chocolate with you. Is it recommended to utilize the breaks? Yes, it is good to utilize the breaks. What should be done 1 week before the exam? अच्छा, अब this is again very interesting. 1 week or 3 या 4 दिन पहले, I get a lot of students who are memorizing geometry formulas. Word high frequency वालों को पढ़ते जा रहे हैं. they just sleep for 4 to 5 hours. Do not do anything before the exam. Like, you don't know whether those words would come, you don't know whether those formulas would come, but you know one thing, that you have to be attentive in the exam. Kuch bhi scene nahi aayega aapke exam mein. Your mind has to work for every single question. Jaise aap economics ka exam dete hain to usme kabhi pooch lete hain बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, यू नो यू हैव बीन स्टडिंग दैट थिंग फॉर 2 ईयर्स, आप उसको आंसर कर देते हैं। आप बायोलॉजी का कहते हैं तो दे आस्क यू अबाउट द साइटोप्लाज्म, व्हाट इज द रोल ऑफ अ साइटोप्लाज्म, यू नो समथिंग अबाउट इट, बट ऑन जीआरई यू डोंट नो एनीथिंग व्हाट वुड कम एंड इट रिक्वायर्स यू टू डू अ न्यू थिंग एवरी टाइम यू डू अ क्वेश्चन। व्हाई डू पीपल स्कोर बैडली ऑन जीआरई? अगेन People get inspired very easily. किसी का 3:10 आया, किसी का 3:15 आया, किसी का 3:20 आया, वो कहते हैं कि ये बंदा जो है हमारे साथ यूनिवर्सिटी में था, इसके तो आ गए, हमारे क्यों नहीं आए? Everyone has a different background. अगर आपके साथ यूनिवर्सिटी में था, शायद वो इंसान
इतने सालों में रीडिंग करता होगा, शायद उसकी वोकैबुलरी बेहतर होगी, शायद किसी की मैथ बेहतर होगी. यू हैव टू सी वट वेयर यू आर स्टैंडिंग रादर देन लुकिंग एट, नहीं इसको तो कुछ नहीं आता था, इसका फिर भी स्कोर है, मेरा क्यों नहीं आ रहा. इट हैज़ नथिंग टू डू विद इंटेलिजेंस. आप किस लाइक देर वुड बी पीपल इन द क्लास, देर वुड बी पीपल इन द क्लास, देर वुड बी पीपल इन द क्लास हु वुड बी देर वुड बी पीपल इन द क्लास हु वुड बी लुकिंग एट यू. अच्छा आपको ये नहीं आता, मतलब हर बंदे की कोई वीक एरिया है, कुछ स्ट्रेंथ होती है. सो यू शुडन इवन लुक एट दोज पीपल. आई डोंट अलाउ पीपल टू मेक फन ऑफ ईच अदर. सो इट्स जस्ट दैट यू नीड टू गिव मोर टाइम. एंड इफ यू वॉन्ट टू सी वेयर यू आर स्टैंडिंग, यू कैन कम ऑन फ्राइडे एट पेकिंस एंड यू कैन टेक अ फ्री असेसमेंट टेस्ट. नो, 1 month इज नॉट इनफ. एंड अगेन आई वुड से, अगेन इट वुड बी प्रिजम्पचस ऑफ मी टू से इट राइट नाउ. आई डोंट नो वेयर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ. इफ योर इंग्लिश इज गुड, मैथ इज गुड, 1 month इज ओके. यू डोंट इवन हैव टू प्रिपेयर और यू डोंट हैव टू इवन ज्वाइन एन अकेडमी. मगर अगर आपकी इंग्लिश और मैथ में आपको स्किल डेवलपमेंट की चाहिए, देन यू रिक्वायर टाइम. सो जब कोई कहता है ना कि इस बंदे ने 1 महीना पढ़ा था और इसके इतना आ गया, वो गलत कह रहा है. यस, इट इज़ माई ड्यूटी, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट आई गिव यू अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस. आई गिव यू माई रेगुलर क्लासेज, आई डोंट मिस द क्लासेज. आई गिव यू कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेज, आई टेक द मॉक एग्जाम्स, आई गिव यू ऑनलाइन हेल्प. आई दैट आई जस्ट स्टे कनेक्टेड विद यू टिल यू आर सिटिंग फॉर द एग्जाम. बट अगेन, इवन इफ यू वर्क वेरी हार्ड एंड इफ यू हैव नॉट बीन थ्रू अ लाइफ वेर यू हैड टू वर्क ऑन दोज वर्ड्स एंड योर मैथ वॉज नॉट डेवलप द वे इट शुड हैव बीन डेवलप्ड, then 1 month is not going to be enough. And I'm not saying that, and yes, I don't have a policy that I'll make people pay me for 4 months or 5 months. I just offer two courses. One is 4 week and the other one is 6 week. I encourage people to come, get the material from me, prepare for 1 or 1.5 months, know about the exam and then join. If you want to do the opposite, you could do what? You could prepare for a month and then prepare at your own for 2 months, and then before you are taking the exam, come again for 2 weeks, take the mock exams, and then go for the exam. Okay, what topics are tested most on the GRE? GRE ke jo topics hote hain, it's related to algebra. For the math, it's algebra, geometry, it's arithmetic. I'll give you a list of all those 35 topics. That list is also available on the official websites of Perkins. Are there is stationery provided in the GRE examination? Yes, they would be providing you pencils. They would be providing you. They would also be providing you some kind of equipment for you to for you not to be disturbed by the people who are also taking some other exams. Exam जब आप दे रहे होंगे ना, it would be on the computer. It wouldn't be a paper based exam. तो वहाँ पे ना कुछ लोग आएंगे ऐसे ठा 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 कीबोर्ड को मारते हैं. And they would be disturbing you a lot, so you can have those kind of headphones by which you won't be interrupted by them. Okay, how does the exam start? It starts with an issue essay in which you would be required to write down 400 to 500 words, and you would be given 30 minutes. The argument essay would be the same, 30 minutes, and you would be required to write down 400 to 500 words. And that is not going to be part of your GRE score. Ye separately hota hai, 1 to 6 ki scoring hoti hai. And now people ask, why should we take issue essay? Most university require a score for issue essay. So they normally require 4 out of 6. How can a student get his or her essays checked for GRE? GRE ke andar ek achhi cheez ye hai ki they just take the issue and argument essay topics from the pool they are providing on the GRE ETS website. GRE ki jo website hai uske upar jo unhone pool jo topics diye hain unhi mein se wo extract karenge. If you are not a student at Perkins, can you still get your essays checked? Yes, you just have to write down your email address below in the comment box. I'll make your username and password and you would be able to submit those essays. I would be checking them and there would be no fee for it. Okay, now
हाउ शुड अ पर्सन प्रिपेयर फॉर द वोकैबलरी? आई वुड से दैट इफ यू वॉन्ट टू डिवेलप योर वोकैबलरी यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट रीडिंग अ न्यूज़ पेपर. आई नॉर्मली रिकमेंड न्यूयॉर्क टाइम्स, ये फ्री आता है एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अखबार के साथ, तो आई रिकमेंड दैट न्यूज़ पेपर टू पीपल. उसको करें, उसको अंडरलाइन करें. इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, मतलब इन एवरी आर्टिकल यू वुड बी फाइंडिंग 5 to 6 डिफरेंट वर्ड्स. उनको अंडरलाइन करें, उसको साथ साथ अमेनेबिलिटी अपनी डेवलप करें. अमेनेबिलिटी का मतलब है कि आपका जो दिमाग है वो क्या, अब GRE के अंदर जो रीडिंग है उसके अंदर यू वुडन बी, इफ यू आर अ साइकोलॉजी स्टूडेंट यू वुड नॉट बी गिवन ऑल द पैसेजेस रिलेटेड टू साइकोलॉजी. कुछ आपके इकोनॉमिक्स के आएंगे, कुछ फाइनेंस के होंगे, कुछ आपके बायोलॉजी के होंगे, सम वुड बी रिलेटेड टू कल्चर. सो हैव यू बीन रीडिंग इनफ? इज योर माइंड गोइंग टू एक्सेप्ट दोज डेड टॉपिक्स? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू बी, योर माइंड शुड बी एक्सेप्टेबल टूवर्ड्स दोज थिंग्स. तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं. देन इफ यू डोंट नो, यू कुड स्टार्ट विद 1 to 2 आर्टिकल्स अ डे. यू वुड बी लर्निंग 25 to 30 वर्ड, समटाइम्स 10 to 15. जब ये चीज़ आपकी 2 या 3 हफ्ते के लिए चलती रहेगी, देन यू कैन ऑल्सो सेंड मी एन ईमेल एड्रेस. मैं आपको ऑनलाइन GRE क्विजेज भेजूंगा जो मैंने बनाए हैं, और उसको आप करना स्टार्ट करें. When you will start doing them, your mind would be amenable to that thing. मतलब अगर आप वो अखबार पढ़ के, वो वर्ड्स ढूंढ के उस चीज़ को कर रहे हैं, एंड आई थिंक इट नॉर्मली टेक्स एनी वेयर फ्रॉम 4 to 6 मंथ्स. उसमें आप यू वुड बी वेल प्रिपेयर्ड, यू वुड नॉट नीड एनी वन इन दिस वर्ल्ड. बट वेन यू इफ यू थिंक ऑफ ज्वाइनिंग, मैं फिर से वही वर्ड्स फिर से कराऊंगा. वो जब रिविजन होगी ना, डैट विल स्टे इन द माइंड. ये इवन इफ समवन कम्स फॉर द 6-week कोर्स, मैं एक 3 बार एक ही किस्म के वर्ड्स, 3,000 वर्ड्स बार बार कराता हूँ, मगर फिर भी नहीं आ रहा होता. सो आई जस्ट सजेस्ट दैट यू डू दोज वर्ड्स, यू गेट द मटीरियल फ्रॉम मी, एंड देन वेन यू हैव अबाउट 25 to 30%, यू नो 30 to 35% ऑफ द वर्ड्स, देन यू कम, यू लर्न मच बेटर. हाउ टू वर्क ऑन द मैथ? मैथ में ये होता है कि आई हैव रेगुलर क्लासेस लाइक फ्रॉम मंडे टू थर्सडे. इफ आई फील दैट यू आर हैविंग प्रॉब्लम इन द मैथ पार्ट, आई प्रोवाइड यू एक्स्ट्रा क्लासेज ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे. एंड इफ यू स्टिल फील दैट यू रिक्वायर मोर टाइम, देन आई गिव यू अनदर क्लास. Those classes are not going to be charged. You're only going to be charged for the regular course. Like 4-week is for 10,000 and 6-week is for 15,000. जैसे आपने अगर 4-week का किया और आपको मैथ में प्रॉब्लम आ रही है, आई नो इट. मैं फिर आपको, आई ऑल्सो हैव द वीकेंड कोर्स, तो आप टाउनशिप में आ सकेंगे, गुलबर्ग में, यू कैन टेक दोज वीकेंड क्लासेज, सो दैट यू कुड कवर द सेम मैथ टॉपिक्स नॉट वंस और ट्वाइस, एटलीस्ट थ्राइस. नाउ लेट्स गो टू द next questions. Who gets a better score on GRE? अब दो sections होते हैं, एक math है और एक verbal है. If you are an engineer and if you have done ओ लेवल्स, ए लेवल्स मैथ, या आपका FSC में भी अच्छा मैथ था, तो आप मैथ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. और आप जब मैथ का क्वेश्चंस कर रहे होंगे, यू विल से ओके, दिस इज गुड, दिस इज गुड, दिस इज नॉट वेरी हार्ड. नाउ व्हेन यू वुड बी डूइंग द वर्बल पार्ट, तो मैंने ये देखा है कि जब लोग वर्बल पार्ट कर रहे होते हैं, व्हेन दे आर डूइंग द वर्बल पार्ट, when they're trying to prepare for the verbal part, उनके ही classmates या उनके seniors उनको कहते हैं verbal को छोड़ो, बस math पे लगो. And I normally see it with the engineers, वो एक दूसरे को discourage कर रहे होते हैं, English नहीं करनी, आपकी math तो पहले से ही बेहतर है. Yes, it is good that you're working more on math, but you also have to work on English. ऐसा नहीं होगा कि आप English math में score सही आ जाएगा तो English वो आपको कहेंगे चलें ये exempt है. कुछ universities करती हैं, they don't look at your English score, but still they require a minimum score for English. So you have to understand that you have to work on both. Kuch log aise aate hain, they're very good in English and they say our math is very bad. Wo pura time math pe lagate hain aur English unki reh jati hai. So you need to understand that you have to give time to both things, and to be fully prepared for GRE.
unless you have taken it before, or unless you have gone through SAT, or you've gone through a very good education system. एक जैसे हम कहते हैं ना कि GRE के लिए क्या प्रिपरेशन की जरूरत है. इट्स नॉट दैट यू हैव टू ज्वाइन एन अकेडमी, यू नीड टू गिव 6 months. एंड इफ यू नॉट गेटिंग वट यू हैव टू डू इन 6 months, यू कैन सेंड मी एन ई मेल. आई कुड गिव यू स्टडी प्लान, एंड इफ यू आर राइटिंग डाउन योर ई मेल, आई ऑल्सो गिव यू द ऑनलाइन क्विजेज. देर इज नो वे यू कैन लर्न दोज वर्ड्स विदाउट मेमोराइजिंग दम फर्स्ट. आई डोंट बिलीव इन मेमोराइजिंग, बट द हार्ड थिंग इज दैट आपको पहले मेमोराइज करने हैं उन वर्ड्स को. देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दम इन कॉन्टेक्स्ट बाई रीडिंग डिफरेंट आर्टिकल्स फ्रॉम न्यूयॉर्क टाइम्स. फिर जाके ओवर द टाइम यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंड, अच्छा ये वर्ड ऐसे यूज होता था. इन द एंड हाउ बेनिफिशियल वुड द कोर्स बी? इट्स अ वेरी हार्ड क्वेश्चन टू आंसर. आई डोंट पुट रिजल्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स. आई बीन टीचिंग नाउ फॉर 5 years. जो आपकी इम्प्रूवमेंट है ना, वो वर्बल और मैथ में सिर्फ 10 मार्क्स की हो सकती है. अगर कोई बंदा आपको बता रहा है कि मेरे स्टूडेंट का 330 आया था या 335 आया था, उसमें ज़्यादा जो रोल है वो उस बंदे की एजुकेशनल बैकग्राउंड का है, उस एकेडमी का नहीं है. सो आई जस्ट वॉन्ट टू बी ट्रूथफुल टू यू, सो दैट वेन द कोर्स एंड्स यू शुडन बी ब्लेमिंग मी डैट वट हैपन. यू वर सेंग डैट सबका अच्छा स्कोर आता है. आपका अभी अगर मैथ जो है वो फॉर इंस्टेंस आपका मैथ 170 में से होता है, 130 से 170, अगर आपका अभी 140 पे है तो 150 तक पहुँच जाएगा. अगर आपका वर्बल 140 पे है तो 10 मार्क्स की इम्प्रूवमेंट होगी. टोटल स्कोर में 20 मार्क्स की अप्रॉक्सीमेटली इम्प्रूवमेंट हो सकती है. बट इट्स नॉट दैट एवरी वन वुड गेट अ गुड स्कोर. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू फर्स्ट असेस वेयर यू आर स्टैंडिंग, एंड देन यू वुड बी एबल टू असर्टेन वट योर वीकनेसेस आर, एंड देन यू वुड बी एबल टू डिटर्मिन वट वुड बी द मोस्ट प्रैग्मेटिक अप्रोच फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर जीएल. ओके, थैंक्स.